Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय की इस चौथी क्लास में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है हम आशा करते हैं कि इन क्लासेस से आपको फायदा हो रहा है आपको जापानी भाषा में जो रुचि है वो आपकी बढ़ रही है आप और जापानी भाषा सीखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं और जो भी कठिनाइयाँ थी आपकी जो भी आपको असुविधा हो रही थी समझने में वो इन क्लासेस से आपकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और आपकी जापानी बेहतर हो रही है तो पिछले अपने दो तीन क्लासेस में हम लोगों ने हीरा गाना किया है जैसा कि आपको पता है हम लोग करते चले आ रहे हैं हीरा गाना की कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ हम लोग लिख करके देखते हैं उसका स्ट्रोक ऑर्डर करते हैं तो आज भी हम लोग हिरागाना करेंगे जो पार्टिकल्स हम लोगों ने किए हैं वो रिवाइज़ भी करेंगे और नए पार्टिकल्स भी करेंगे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पार्टिकल वा किया है पार्टिकल का किया है इसी के साथ हम लोगों ने जिन किया है यानी कि नागरिकता बताई है अपनी हम लोगों ने करा किया है तो आज हम लोग एक नया पार्टिकल करेंगे पार्टिकल नो कैसे उसका प्रयोग होता है भाषा में किस प्रकार से वो सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है वाक्यों में यूज़ किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे नई हीरा गाना करेंगे नए शब्द सीखेंगे कुछ कांजी जो है जो चित्रलिपि है हमारी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे तो आइए आज देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है तो आज देखिए ये आपका लेसन का टॉपिक है पेन वाताशीनों वा तो इसका क्या अर्थ है यह आपको अभी आगे चल के पता चलेगा लेकिन उससे पहले हम लोग गिनती करेंगे आपने 50 तक गिनती करी है अपने पिछले लेसन्स में तो अब हम लोग 50 से 70 तक आज गिनती करेंगे गिनती के साथ ही आपको आई यू ए का जिसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वो भी आपको कराएंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग गिनती करते हैं आप हमारे पीछे बोल सकते हैं गोज्यू इची गोज्यू नी गोज्यु सान गोज्यू योन या फिर गोज्यू शिबी बोल सकते हैं देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा शी कभी कभी आपको शी भी कहीं कहीं लिखा दिखेगा तो इतना बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर कि ये कभी शी है कभी शी है शब्द जापानी में जो हीरा गाना का है वो शी है और साउंड ज़्यादातर छोटी है शी वहाँ लिखा दिखेगा जहाँ शी की जो उच्चारण है वो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए वहां पे आपको ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए जिससे आप उसका उच्चारण ठीक से कर सकें इसलिए वहां पे शी या जो छोटी ई की मात्रा है उसको बड़ी ई की मात्रा भी कर दिया गया है गोज्यू गो गोजू रोकू गोज्यू नाना शिची भी कहते हैं इसे गोज्यू हाची गोजू क्यू या फिर कु कहते हैं रोकू तो ये जो कु और शिची है या शी है वो यौन नाना और क्यू जो नंबर है उसके लिए दूसरी रीडिंग है यानी कि स्पेशल रीडिंग है अब ये स्पेशल रीडिंग जो है आपको कहाँ प्रयोग में आएगी ये आप लोग बाद में देखेंगे कहीं पर कु का प्रयोग किया जाता है कहीं पर क्यू का किया जाता है जैसे कि अगर आप अपनी एज बताना चाहें तो आप यौन बताएंगे एज शी नहीं बताएंगे। तब आपको प्रोनाउंसिएशन जो है इसका जो उच्चारण है वो यौन करना पड़ेगा शी गलत हो जाएगा समझ में आएगा लेकिन गलत हो जाएगा तो इस बात का हम लोग आगे भी ध्यान रखेंगे जब हम लोग काउंटर्स करेंगे तब आपको ये बहुत आराम से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आइए तो साठ की बात करते हैं रोकू इची रोकुज्यू नी रोकुजू सन रोकुज्यू योन रोकूजू गो रोकू रोकु, रोकू नाना रोकूजू हाची रोकू क्यू नाना ज्यू तो ये आपके लिए गिनती है और इसके बाद जैसा हम लोग हर बार करते हैं हम लोग पहले एक ऑडियो सुनेंगे एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है छोटा सा वार्तालाप है कायवा है और उसमें देखिए आपको कुछ नया मिलेगा और कुछ शब्द जो हैं आप पहचान सकेंगे कुछ आपको समझ में आएगा देखिए 失礼ですが、お名前は何ですかラオです。ラオさんは大学生ですかはい、そうです。何年生ですか私は3年生です。田中さんは何年生ですか私は2年生です。とびあ π ねえかいわしな、いえ田中さん、あんたはさんにビーチかかいわへ、どういうことかかいわへ。かいわやにき、conversation。 आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं सुमीमा सेन ओनामाए वान वा देश का राव देश राव सान व दाएगा से का हाई नान नैन से का वाता शिवा सान नैन से देश ताना का नान नैन से का वाता शिवा नी नैन से तो देखिए आप यहाँ देखेंगे कि जब का होता है तो आपका इंटोनेशन राइजिंग होता है यानी कि ऊपर जाता है आपकी जो आवाज़ है वो ऊपर जाती है जब आप प्रश्न पूछते हैं तो ज़्यादातर ऊपर जाती है आवाज उसी तरीके से का के साथ भी ऊपर जाएगी सुमीमा सेन आपने किया है सुमीमा सेन यानी कि एक्सक्यूज मी ओ नामाए वा नान दस का तो ये दो नए शब्द हैं आपके पास दस आपने किया है सान के बारे में आपको कुछ थोड़ा बताया है ये नया है और ये यह यहाँ पे कुछ नया है तो आइए देखते हैं क्या है सुमीमा सेन यानी कि एक्सक्यूज़ मी जरा सा सुनिएगा ओ नामाये नाम आपको पता है जब किसी का नाम पूछते हैं तो क्या कहते हैं जापानी में ये कहा जाता है नामाए यानी कि नेम यानी कि नाम नाम का शब्द है नामाए नामाए और ओ जो है वो ऑनरिफिक है यानी कि सम्मान के लिए लगाया जाता है जब आप किसी और का नाम पूछते हैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपने नाम के आगे कभी ओनामाए नहीं लगाएंगे जैसे आप देखिए अपने नाम के आगे आप जी नहीं लगाते हैं आप सीधे अपना नाम बताते हैं कि मैं राम हूँ या मैं रमेश हूँ आप मैं रमेश जी हूँ या मेरा शुभ नाम रमेश जी है ऐसा तो आप नहीं कहते कभी तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अपने नाम के आगे पहली बात कभी भी आप ओ नहीं लगाएंगे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि आप अपने परिवार के लोगों के नाम के आगे भी ओ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका परिवार है वो आपका है आपको उनके नाम के आगे ओ लगाने की आवश्यकता नहीं है ओ जो है ज़्यादातर वो बाहर वालों के नाम से पहले लगाया जाता है या कोई आपसे बड़ा हो, ओहदे में या उम्र में उससे जब नाम पूछा जाता है तब लगाया जाता है फॉर्मल सिचुएशन में लगाया जाता है नान क्या है नान एक प्रश्नवाचक शब्द है यानी कि क्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉट तो सुमीमा सेन ओ नामाए वा पे क्योंकि डायरेक्ट बात हो रही है इसलिए आनाता नहीं लगाया गया है इस जगह पर लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं ये दोनों सज्जन जो हैं आपस में बात कर रहे हैं इसलिए सुमीमा सेन ओ नामाय नानदेस का आनाता की आवश्यकता नहीं है तो रावसान कहते हैं राव दिस मैं राव हूं जैसा कि आपको बताया है दस जो है वो एक वर्ब है और हिंदी में है के बराबर है हूँ या है रावस्थान व गाख से दस का दाइगाकु यानी कि देखिए इसकी कांजी इस प्रकार है दाइगाकु यानी कि बड़ी जगह जहाँ पढ़ाई होती है तो दाई गाकू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राव शानवाद आएगा कैदस का फिर से इंटोनेशन राइजिंग है और सान आपको पहले भी बता चुके हैं सान जो है अपने नाम के आगे नहीं लगाया जाता है सान हिंदी में जी के बराबर है अंग्रेज़ी में ये मिस्टर Mr., मिस और मिस के लिए प्रयोग में आता है तो राव सानवा दाइगाक्से दस का हाई अब इन्होंने इसको यहाँ छोड़ दिया हाई यहाँ पे ये पूरा कर सकते थे वाता शिवा दाईगाक् से दस लेकिन क्योंकि सामने बात हो रही है इसलिए हाई से भी पूरा हो जाएगा नान नैन से दस का देखिए फिर से नान आया नान यानी कि क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द है सान ने पूरा वाक्य नहीं बोला कि रावसान व नान सेद का रावसान से ही बात हो रही है डायरेक्ट बात हो रही है इसलिए रावसान लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है तो नान सेद का नान ने जैसा आपको बताया क्या नैन माने वर्ष वर्ष और सेई माने गाकसे का जो सेई है वो यहां पे सेई लगाया है नानैन गाकसे तो नानैन से गाकू हटा करके से लगा दिया उससे समझ में आ गया कि आप किस वर्ष के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे नान क्या नहीं है यहां पर बन गया है किस ये ध्यान रखिएगा नान से किस वर्ष के आप विद्यार्थी हैं वाताशिवा सान से दस सान माने तीन तो थर्ड वर्ष का तीसरे वर्ष का मैं गाग से हूँ अब राव सान पूछते हैं तानाका सानवा नान से दस का देखिए का जी आप किस वर्ष के विद्यार्थी हैं तो वो बोलते हैं वाता शिवा से एन वो यहाँ पे वाता शिवा हटा भी सकते थे और फिर नीन एन से दस कहते वो भी सही होता तो ये यहाँ पर आपका पूरा काइवा है उसका अर्थ दिया हुआ है ये स्क्रिप्ट में लिखा है देखिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि हीरा गाना है यहाँ पर काता काना है यहाँ पर कांजी है ये भी देखिए कांजी है ये कांजी है नीन एन से की, तो इसमें आप काफ़ी सारी कांजी पहचान भी सकते हैं जैसे तीन है दो है ये कांजी आपने करी है तो ये आप पहचान सकते हैं अभी अपने पिछले स्लाइड में हमने आपको दाई गाकू की कांजी बताई तो आप ये भी पहचान सकते हैं कहीं देखेंगे आप तो ये भी आप पहचान जाएंगे तो इसलिए धीरे धीरे कांजी भी बढ़ती जाएगी और ये एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़िए और देखिए कि क्या है अब देखिए यहाँ पर है नान और नानी सबसे पहले तो आपको कांजी बता दें इसकी बहुत ही सिंपल कांजी है ये एक दो तीन चार पाँच छः और सात तो इसका स्ट्रोक ऑर्डर ये नहीं है इसका स्ट्रोक ऑर्डर है एक दो तीन चार पाँच छ और सात ये सही स्ट्रोक ऑर्डर है इसका देख लीजिए इसे याद कर लीजिए जब भी कहीं दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है ये है नान या नानी तो जैसा आपको दिख रहा है नान और नानी जो है प्रश्नवाचक शब्द है एक ही शब्द है नान और नानी में कोई अंतर नहीं है ये दो शब्द हैं लेकिन अर्थ इसका एक ही है वो है क्या लेकिन इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्या ध्यान देने की आवश्यकता है देखिए वाक्य में नान का प्रयोग कब किया जाता है शब्द तो ये दो हैं अर्थ इनका एक है लेकिन नान कहीं और प्रयोग होता है और नानी कहीं और प्रयोग होता है अब किसी भी वाक्य में नान का प्रयोग या तो द न, या त से आरंभ होने वाले शुरू होने वाले शब्दों से पहले प्रयोग किया जाता है जैसे कि देखिए ये देश है तो इससे पहले नान देश का नान देश का तो द है इसलिए नान लगाया गया है या फिर तो है तो नान तो का यानी कि आप क्या कह रहे हैं ठीक है अब अभी आपने अपनी पिछली स्लाइड में किया है नान का है कि नहीं है तो देखिए न है यहाँ पे न से शुरू होता है इसलिए नान नैन से देश का तो जब भी नान का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद का जो शब्द होगा वो या तो द या न या त से शुरू होने वाला शब्द होगा एक तो ये फर्क है दूसरा फर्क है कि नान जो है वो गिनती के साथ प्रयोग में आता है संख्या के साथ आता है लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल जो है वो लिखित नहीं है कि ऐसा ही होगा कभी कभी अलग भी होता है तो अब देखिए जब आप काउंटर्स करेंगे कि आपकी क्या उम्र है तब आप बताएंगे संख्या कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पर तब आप बताएंगे संख्या कौन सा महीना है तब आप संख्या बताएंगे तो आप नान का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि गिनती के साथ संख्या के साथ या समझ लीजिए नंबर के साथ नान का प्रयोग किया जाता है अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है नान साई देश का यानी कि आप कितने बड़े हैं आपकी उम्र क्या है लेकिन नानी का कहाँ प्रयोग किया जाता है नानी का इन जगहों पर नहीं प्रयोग किया जाता है जो अभी हमने आपको बताई हैं एक उदाहरण आपको देते हैं कि नानी का जो है जैसा यहाँ लिखा है नानी इरोदेस का इरो यानी कि रंग तो नानी इरो दस का क्या रंग है इस प्रकार से नानी का प्रयोग होता है आगे भी आपको पता चलेगा कि नानी कहाँ प्रयोग होता है और नान कहाँ प्रयोग होता है वो हम लोग बाद में करेंगे अच्छा देखिए अभी हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर्स में वा किया है हम लोगों ने का किया है प्रश्नवाचक जो शब्द है और पार्टिकल वाह किया है अब पार्टिकल वा आपको पता है कि जो है पार्टिकल ये वा ये कब आता है इससे पहले या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है है कि नहीं है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और आप समझ लीजिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा आपका उसके बारे में आप बता रहे होंगे या टॉपिक होगा कॉन्वर्सेशन का तब वा का प्रयोग किया जाता है का जो है वो ज्यादातर अंत में आता है और प्रश्नवाचक पार्टिकल है विद राइजिंग इंटोनेशन यानी कि इंटोनेशन जो होता है पिच जो होती है वो आपकी ऊंची होती क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं अब ये जो पार्टिकल नो है ये क्या है ये क्या दिखाता है पार्टिकल नो जो है वो व्यक्ति यानी कि पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में जो संबंध है उसको दिखाता है या पर्सन और जो कोई वस्तु है उसके बीच में वो संबंध दिखाता है तो व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध हम पार्टिकल नो से दिखाते हैं अब जैसा कि आपको पता है कि ये पार्टिकल शब्दों को जॉइन करते हैं ये एक शब्द से दूसरे शब्द को मिला करके कनेक्ट करके पूरा पूरा वाक्य बनाते हैं और अब नो जो है वो क्या करता है ये व्यक्ति से वस्तु और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का संबंध बताता है व्यक्ति क्या होगा या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा या आपका टॉपिक होगा है कि नहीं है तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल नो है उसका जो प्रयोग है वो नाउन और रोनाउन के बाद ही किया जाता है मीनिंग अलग है वा से लेकिन इसके बाद ही उसका प्रयोग होता है अब आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं वाताशी नो देस शी यानी मैं एमपित्सु यानी पेंसिल है तो मैं पेंसिल है अब इसमें जब हमने नो लगाया तो अर्थ क्या बना मेरी पेंसिल है आपने देखा कि ये व्यक्ति पर्सन और कोई वस्तु थिंग के बीच का संबंध बताया कि ये पेंसिल किसकी है ये पेंसिल मेरी है समझ में आया आपको तो आप पेंसिल की जगह कुछ और लगा सकते हैं वाताशिनो देस मेरी चाबी है वाताशिनो क्यों काशो देस मेरी टेक्स्ट बुक है वाताशिनो नो तो देस मेरी नोटबुक है या वाताशिनो मेगाने देस मेरे चश्मे हैं तो आपको समझ में आया अब कि जब आप वाताशी कहते हैं वाताशी कहते हैं तो मैं और जब आप वाताशी नो कहते हैं तो मेरा बन जाता है ये ग्रामेटिकली दोनों अलग हैं फिलहाल आपको ग्रामर से मतलब नहीं है यहाँ पे आपको शब्द समझने में ज़्यादा आसानी होगी और सुविधा होगी वाक्य बनाने में इस पर ध्यान दीजिए वाताशी मैं है और वाताशिनो मेरा है तो मेरा कुछ सामान ही हो सकता है कुछ वस्तु ही हो सकती है या कोई व्यक्ति भी मेरा हो सकता है मेरा बेटा मेरी बेटी या मेरी गाड़ी मेरा घर तो हर बार आपको पार्टिकल नो लगाना पड़ेगा जैसा कि आपने यहाँ पे अभ्यास किया है तो एम पित्सु की जगह इसमें से कुछ भी लगा लीजिए या और भी जो आपने शब्द किए हैं उनका प्रयोग करिए और वाक्य बनाइए अब आप एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे आपने कुछ शब्द भी किए हैं ऐसे तो वाताशी की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं आप देखिए ओकासन नो मेगानेदेस No 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 तो सानो मेगा थाना सानो मेगा ने दिस तो एम पित्सू की जगह आप ये लगा सकते हैं वाताशी की जगह जो भी आपने शब्द और किए हैं उनको आप लगा करके यहाँ प्रयोग करके इसका अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ अब देखिए आपको एक और चीज बता दें यहाँ पे अगर आप यही वाक्य लेते हैं ता नो एन पी तो ये क्या हुआ मेरी पेंसिल है और अगर हम कह दें वाता शिवा एन ये क्या हो गया बताइए वाताशिवा शिवा एम क्या बन जाएगा मैं एम पित्सु हूँ ये ध्यान रखिए प्लीज वाताशिनो और वाताशिवा का यही डिफरेंस है अब देखिए आप अभ्यास कर सकते हैं अनातानो जिसोदस का राइजिंग इंटोनेशन हाय वाताशिनो वाताशिनो जिशोदस हाँ मेरी जिशो है मेरी डिक्शनरी है देखिए आप एक जवाब ये दे सकते हैं और दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं ई ये ताशीनो जिशो देवा अरिमा सेन तो आप पॉजिटिव दे सकते हैं और आप नेगेटिव में भी दे सकते हैं इसका जवाब तो अब आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए अना तानो का बांदेस का हाई वाताशिनो का बांधे अनाथनो का सदस्य हाई वाताशिनो का सदस्य अनाथनो तो कैदस का शिनो तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था आप अनाता के आगे का सान लगा सकते हैं सान, तो सान इमो तो अनाता तो सान नो जिशो दस का या तना का नो तो के दस का हाई व तो के या इश्नो तो, तो के देवा आ इस प्रकार से आप अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ अब आपको एक बात बता दें यद्यपि हम लोग अनाथा का प्रयोग अपनी क्लास में आगे भी बहुत ज़्यादा करेंगे और इससे हम लोग जापानी अपनी सीखेंगे भी अनाथा और वाताशी का प्रयोग करके लेकिन आपको एक बात बता दें जैसा कि यहाँ लिखा भी है अनाथा का जो प्रयोग है वो जापानी में इतनी फ्रीली इतनी आराम से नहीं किया जाता है क्योंकि जापानी भाषा में नाम लेकर के एड्रेस करने का नाम लेकर के बात करने का या प्रश्न पूछने का ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन है और ज़्यादा इसी प्रकार से बात करी जाती है जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप तू तु और तुम का अर्थ है और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को भी अनाथा कह करके आप संबोधित नहीं करेंगे व्यक्ति का नाम लेकर के बात करी जाती है और सान जो है जो कि नाम के बाद लगाया जाता है उसका अर्थ है श्रीमान श्रीमती सुश्री अंग्रेजी में जैसा कि आपको हमने बताया मिस्टर Mr., मिसेज और मिस और अभी आपको पहले भी बता चुके हैं कि सान का प्रयोग अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं किया जाता है और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है अपने नाम के आगे सान नहीं लगाया जाता है तो अभी आपने कोई भी वस्तु जो है वो मेरी है वाताशिनो देस या सान नो देस ऐसे वाक्य बनाए हैं नो का प्रयोग करके अब आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु जो है वो प्लेस को भी बिलोंग कर सकती है वो वहां की भी हो सकती है जैसे जिशोवा गाक्कोनोदेस जिशोवा जिशो देस या आप सवाल भी पूछ सकते हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है जिशोवा जिशो देस का हाई नो जिशो देस या आप छोटा जवाब भी दे सकते हैं हाई गाक्को नो देस हाई नो, no, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं तो पेन वा थाना का पेन नो ई ईए, वाताशी नो दस कि वो उनका नहीं है मेरा है या जैसा पहले आपने किया है दिस और देवारी मासेन, तो ई ए गाको नो जिशो देवा न तो जिशो यहां पे जो है वो आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं दोनों ही स्थिति में जवाब सही होगा शॉर्ट आंसर देंगे छोटा आंसर देंगे तो सीधे प्लेस का नाम लेकर के नो डेस कर सकते हैं जिशो लगाने की आवश्यकता नहीं है अब जिशो की जगह आप शोसेत्सु सेट्स शोसेत्सु यानी कि नावल उपन्यास तो शोसेत्सु वा वाह नो दस का वा से नो शो का तो आप क्या जवाब देंगे बताइए हाई बोलेंगे या ये बोलेंगे बिल्कुल सही हाई गाक्को नो शोसेत्सु से या फिर ये गाक्को नो शोसेत्सु देवा सुदेवा मासेन उसी प्रकार से बोर व्रब नो दस का ये देखिए क्लब की बॉल है जवाब दीजिए इसका हाई क्रब नो बोर दस या हाई क्रब नो देस आपने जो नाउन है उसको हटा दिया और सीधे जवाब दे दिया अब ये दारे और दोनाता दो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका अर्थ बिल्कुल एक है यानी कि कौन दारे इनफॉर्मल यानी कि रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन रोज में प्रयोग में आता है और दो नाता जो है वो फॉर्मल है तो जब आपसे कोई बड़ा हो उम्र में या आपसे ओहदे में बड़ा हो फॉर्मल सिचुएशन हो तब दो नाता का प्रयोग किया जाता है या व्यक्ति अनजान हो आप पहली बार मिल रहे हो तब आप दो नाता का प्रयोग करेंगे और यह भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि दारे और दोनाता के बाद पार्टिकल वा का प्रयोग नहीं किया जाता है एक कारण यह है बहुत सिंपल है जो कि आप याद कर सकते हैं आगे के लिए भी वो ये है कि दारे और दोनाता प्रश्नवाचक हैं तो प्रश्नवाचक के बाद वा का प्रयोग नहीं होता है अब इसको वाक्य में कैसे करेंगे अनोहितोवा दारे दस का वो व्यक्ति कौन है और अगर वो कोई टीचर हैं आपके आप जानते नहीं हैं कि कौन है उनका नाम क्या है या वो कहाँ से आए हैं तो अनोहितोवा दो नाता देश का यानी कि वो सज्जन कौन है उनके बारे में बताइए अब दारे के बाद अगर हम नो लगा दें तो बताइए क्या बनेगा बिल्कुल सही किसका किस व्यक्ति का उसी प्रकार से दोनाता No. तो उसी प्रकार से सम्मान बोधक हो जाता है वो पेन व दारे देश का किसका पेन है पेन व नो देश का सान का पेन है पेन व देश का आपका पेन है अनाता से आप आ जाएगा दारे नो केताई देश का पेन की जगह केताई हो गया दारे नो किसका तो इस प्रकार से नो लगा करके आप पूछ सकते हैं संबंध बता सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु में या व्यक्ति और व्यक्ति में क्या संबंध है अब देखिए अभी तक आपने किया है दारे नो तो के यानी कि एक बार नो का प्रयोग किया है और संबंध बताया है या पूछना चाहा है यहाँ पर आपको दो बार दिखेगा तो दो या तीन बार से ज़्यादा संबंध नहीं दिखाया जाता है जैसे तना का सान नो ओ का सान नो में गाने तना का सान की माता जी के चश्मे हैं ये रिलेशनशिप व्यक्ति और वस्तु में बताई गई है तोमोदाची नो मुसमे यानी कि तोमोदाची की बेटी की क्यों काशो है तो संबंध दिखाते हैं का के की उसी प्रकार से आप यहाँ पे उसका प्रयोग करिए और देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा नो नो तोके सेंसे नो ओक्सान नो तो के देवारिमा सेन ये सैनसे की ओक्सान की पत्नी की तो के कि घड़ी नहीं है तना का सानो इमो अब इसको आप अपने आप बताइए तना का सानो इमो तो यहाँ पे क्या आएगा कौन सा पार्टिकल आएगा बताइए जल्दी से ताना का सान इमो तो नो का सा दस या तना का सानो इमो तो नो कासा देवा अरिमा सेन तोमोदाची नो ओक्सान नो खे ताई देस या तोमोदाची नो ओक्सान नो खेताई देवा अरिमा सेन तो रावसानो खोदो मोनो का सासा देस तो इस प्रकार से आप नो का प्रयोग कर सकते हैं दो बार नो का प्रयोग हुआ है अब यहाँ पे आप एक और नो ऐड कर सकते हैं देखिए वाताशी नो थोमोदाची नो ओक्सान नो केताई देवा अरिमासेन जो ये केताई है ये मेरे मित्र की पत्नी का केताई मोबाइल नहीं है दारे नो जिशोद का किसकी या किसका शब्दकोश है या किसकी डिक्शनरी है तो इस प्रकार से नो का प्रयोग होता है आपको बहुत सारा अभ्यास दिया है अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं हम लोग कांजी करते हैं तो देखिए यहाँ पर हितो है व्यक्ति की कांजी है जब कोई भी चित्र किसी चीज़ का या आइडिया किसी चीज़ का अपने जहन में बनाते हैं तो कोई हम लोग एक चित्र बनाते हैं उसका अब अगर व्यक्ति हम दिखाना चाहें तो हम कैसे करेंगे हम यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं इससे सब समझ जाते हैं कि व्यक्ति की बात हो रही है तो अगर सर हटा दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए तो भी तो ये व्यक्ति ही लगेगा देखिए है कि नहीं है तो इस प्रकार से व्यक्ति दिखाया जाता है जापानी भाषा में देखिए ये और ये तो ये कैरेक्टर है पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा स्ट्रोक छोटा है इसको ऐसे और ऐसे मत बनाइएगा ये गलत है एक और दो हितों अब ओ तो क्या करते हैं पुराने ज़माने में ओ जो हैं काफ़ी बच्चों से स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा सख्त थे कभी बात नहीं करते थे और हमेशा भौवें उनकी चढ़ी रहती थी तो किसी के भी मुँह पे अगर भौवें ऐसी चढ़ी हुई हैं तो वो ओ तो हमेशा बच्चे जो हैं पिताजी से डरते हैं और उनके सामने आना पसंद नहीं करते हैं ये कैरेक्टर है देखिए हमेशा डांटते रहते हैं हमेशा गुस्सा करते हैं कभी इधर थप्पड़ मारा कभी उधर थप्पड़ मारा तो ये स्वॉर्ड्स जो हैं तलवारों की तरीके से ये और ये इसलिए भौवें चढ़ी रहती हैं डांटने के लिए तैयार रहते हैं इसलिए ओतोसान की ये कांजी है आजकल की इमेज और तो की बिल्कुल अलग है लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी हुआ करती थी तो इसका स्ट्रोक ऑर्डर वो है वन टू थ्री और फोर भौएँ चढ़ी हैं और तलवार बिल्कुल खिंची हुई है कि बच्चों ने कुछ गड़बड़ किया तो उनको पिटाई की जाएगी ओकासान, ओकासान की जो इमेज आती है वो आपके जहन में क्या आती है आप बताइए जब आप माँ की इमेज देखते हैं तो क्या आपको समझ में आता है जहाँ से ये कैरेक्टर बना है जो इमेज है वो है कि एक स्त्री जो है महिला जो है वो बच्चे को दूध पिला रही है तो वो इमेज माँ की आती है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है किस प्रकार से झुक करके बैठ करके वो दूध पिलाती है अपने आंचल में तो इस प्रकार से आती है देखिए ये माँ की आ, कांजी है इस इमेज से वो कांजी बनाई गई है कि वो पल्थी मार करके बैठी है और बच्चे को दूध पिला रही है ये कैरेक्टर है ये देख लीजिए प्लीज़ ये और ये ओका सन और ये ओ तो है ये भी बहुत सोच करके बनाया गया है ये कैरेक्टर दो कैरेक्टर्स से बना है ये आप लोगों ने कभी राइस की फील्ड देखी है जहाँ पे राइस बोया जाता है तो आप देखेंगे कि उस पर मेड़ी होती है हमेशा और चावल यहाँ बोया जाता है तो ये फील्ड की कांजी है ऐसे बना दी जाती है और ये फील्ड बन जाता है और क्योंकि फील्ड में आदमी काम करते हैं और फील्ड में काम करने के लिए खेत में काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए बहुत स्टैमिना चाहिए तो इसलिए ये चिकारा की कांजी है चिकारा यानी कि स्ट्रेंथ तो ओतो कोनो हितो की कांजी इस प्रकार बनती है ये करके और चिकारा यानी कि खेत में ताकत चाहिए बहुत इसलिए बहुत चिकारा चाहिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आदमी ताकतवर होना चाहिए तभी खेत में काम कर सकता है इतने पानी में बैठ करके चावल लगाना इसलिए फील्ड यानी कि खेत और चिकारा यानी कि ताकत के साथ मिला करके ओतो की कांजी पुरुष की कांजी बनाई गई है ये ध्यान रखिएगा कि ये दो कांजी हैं फील्ड और ताकत के साथ खेत और ताकत के साथ अब इसके साथ अगर हम ओतोकोनो के साथ ये हितो लगा दें तो ये ओतोको की खाली कांजी है ओतो को यानी पुरुष और ये ये मैन की कांजी है तो देखिए ओतो कोनो हितो इस प्रकार से बनता है आपने ये कांजी अभी पिछले उसमें करी है स्लाइड में तो इसको यहां प्रयोग करिए ओतो कोनो हितो अब ओन्ना है देखिए ओन्ना इस प्रकार से बनती है और ओन्नानो हितो आप पिछली वाली कांजी को यूज करके ओन्नानो हितो यानी कि लेडी महिला तो एक ही कांजी से दो शब्द बन जाते हैं अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं क्या होता है इनका कुछ सामान यहाँ पे मीरा जी हैं उनका कुछ सामान गिर जाता है तो तना का सान जो हैं, उनको उठा करके देते हैं और कहते हैं दो जो कि ले लीजिए प्लीज तो वो क्या बताती हैं अरीगा तो अरेगा तो पोलाइट हैं अनजान व्यक्ति हैं उन्होंने इनका जो लिफाफा है वो गिर गया है उठा के दिया है तो अरीगा तो गुजाइमास, पूरा बोलती हैं अरीगा तो खाली बोल सकते हैं जब आप अपने ग्रुप के लोगों के साथ हैं इन फॉर्मल सिचुएशन में हैं, लेकिन इस प्रकार की फॉर्मल सिचुएशन में अरीगा तो बोलना ज्यादा अच्छा है और उसका जवाब क्या है दो इताशी माशते यहां पे इन्हें दो इताशी माशते कहने की कोई ऐसी बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्य इनका नहीं है इन्होंने कार्य करके दिया है पर आपको केवल बताने के लिए कि अरिगातो का जो रिप्लाई है वो दो इताशी माशते है ये दूसरी बात कह सकते थे ये कह सकते थे दाइजोबुस दाई जोबू यानी कि कोई बात नहीं बिल्कुल ठीक है दो इताशी माश्ते का अंग्रेज़ी में अर्थ है इट इज़ ऑल राइट मैंने आपके लिए काम किया इससे मुझे खुशी मिली तो अरेगा तो थैंक यू वेरी मच और दो इताशी माश्ते इट इज़ ऑल राइट नहीं तो इस सिचुएशन में आप दाइजोबुदेस भी कह सकते हैं कोई बात नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करी है मैंने आपको थैंक यू कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है इसका ये अर्थ है इट इज़ ऑल राइट और ये भी एक देखिए एक्सप्रेशन ही है यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है तो मीरा सां थान जो भी उम्मीद है तो गुजाय यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मीरा शांत थान जो भी बर्थडे जन्मदिन उम्मीद है तो गुजाय आप बोल सकते हैं उमेद तो गुजाय तो फिर ये क्या जवाब देंगी इसके रिप्लाई में अरीघा तो थैंक यू वेरी मच आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए बहुत सारी चीज़ें आज आपने सीखी हैं पार्टिकल नो किया है अनाता के बारे में जाना है नान और नानी के बारे में जाना है किस प्रकार से पार्टिकल नो का प्रयोग होता है वो जाना है कैसे वो कनेक्ट करता है वो जाना है फिर आपने दो यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी किए हैं दोजो किया है अरिगा तो किया है दो यताशी किया है दाई जोबू किया है और किसी को भी अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे वो किया है यहाँ पर जो आपको सिचुएशन दिखाई गई थी वो थी बर्थडे की लेकिन कहीं पर भी कॉन्ग्रेचुलेट करने की अगर बात आती है आपको शुभकामनाएँ देनी हैं तो आप उमीद तो गुज़ाय कह सकते हैं ये एक नॉर्मल तरीका है आपको शुभकामनाएं किसी को भी देने के लिए तो आज आपके लिए काफ़ी है गिनती है आपके लिए पचास से सत्तर तक वो आप अभ्यास करिए जो आपको आज दिया गया है लेसन में वो अभ्यास करिए और ये ध्यान रखिए आपको जोर से अभ्यास करना है मन में रख करके नहीं अभ्यास करना है नहीं तो जो आप मन में बोलेंगे वो सुन नहीं पाएंगे और हो सकता है कि वो आप गलत याद कर लें तो जैसा कि इसमें आपको बताया गया है आप हमारे बाद भी उसका अभ्यास कर सकते हैं जोर जोर से भी कर सकते हैं अपने मित्र के साथ भी कर सकते हैं ये सब करिए नए शब्द सीखिए और याद करिए उनको और इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, दोबारा फिर जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली क्लास में तब तक आप जापानी पढ़ते रहिए और नए शब्द याद करते रहिए धन्यवाद